हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज की वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ कि हम कैसे वॉलपेपर को कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए गाइस, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गाइस, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे वॉलपेपर को कस्टमाइज करनी है। तो जैसे गाइस मैं आपको बता दूँ हमें क्या करना होगा। पहले मोबाइल सेटिंग में जाना हो तो मोबाइल सेटिंग में चलनी है। और गाइस ये हमें रेडमी का फ़ोन दिया गया है। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको मोबाइल सेटिंग का आइकन दिया गया जिसको हम क्या कर लेंगे, पहले ओपन कर लेते हैं। तो गाइस ये हमारा ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे आपको जाना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा वॉलपेपर का सेटिंग। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी आइकन दी गई है जिसमें हमें वॉलपेपर की सेटिंग यहाँ पे दी गई है जिसको हम क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद गाइस आपको कस्टमाइज़ करनी है वॉलपेपर, मतलब अपने मर्जी से सेट करना है। तो मैं अपने मर्जी से कुछ अच्छे से वॉलपेपर को सेट कर लेती हूँ। तो गाइस जैसे कि मेरे को ये वाला वॉलपेपर काफ़ी बढ़िया लग रहा है और मैं ये मूविंग वाली है और ये मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस आपको मिल जाएगी डाउनलोड करनी है, तो हम यहाँ पे डाउनलोड भी कर लेते हैं टाइम एंड डाउनलोड। तो गाइस आपका जो वॉलपेपर है वो आपका डाउनलोड हो चुका है। फिर यहाँ पे आपको क्या आता है, ऑप्शन प्ले। तो हम यहाँ पे प्ले कर लेंगे। गाइस हम यहाँ पे प्ले कर लेते हैं। प्ले करने के बाद आपको यहाँ पे क्या आता है ऑप्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आ रहा है सेट अस्क लॉक स्क्रीन। जैसे कि आप लॉक स्क्रीन पे लगाना चाहते हो आप लॉक स्क्रीन पे लगाएं, या फिर सेट अप होम स्क्रीन। जैसे आप होम स्क्रीन पे लगाना चाहते हो तो होम स्क्रीन पे लगाएं, या सेट ऑर्डर। अगर आप ऑर्डर मतलब अगर आप दोनों पे लगाना चाहते हैं लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन, तो आप दोनों पे लगा सकते हैं। तो गाइस मैं ये करता हूँ, मैं आपको दोनों पे लगा के दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे मैं सेट ऑर्डर पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने से आपका जो यहाँ पे देख रहा है प्लेइंग, तो यहाँ पे मैं प्लेइंग कर दिया हूँ। यहाँ पे मैं आपको बीच में से हटा के दिखाता हूँ गाइस। तो देख सकते हैं आपको जो हमारा ये होम स्क्रीन है इस पर भी लगा हुआ है, और हम आपको लॉक स्क्रीन पर भी दिखा देते हैं। तो गाइस हमारा जो लॉक स्क्रीन है उस पर भी लगा पड़ा है, और ये हमारा होम स्क्रीन है उस पर भी लगा पड़ा है। तो गाइस ये करते हैं, आपका जो वॉलपेपर था वो आपका कस्टमाइज़ हो चुका है। तो यहीं पे मेरी वीडियो समाप्त होती है, और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।